वेल ही गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं अपने मोबाइल कवर को कस्टमाइज़ करने वाला हूँ। तो मेरा मोबाइल कवर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा है, तो मैंने सोचा चलो इस पर थोड़ा अपना मैजिक यूज़ किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कवर है और ये एक बहुत डिसेंट सी वाइब देता है। तो मैंने सोचा मेरे को इतनी बढ़िया ड्राइंग आती है, तो क्यों ना मैं उसको यूज़ करके इसको थोड़ा बढ़िया बना दूँ। तो मैं इस पर तो कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं कुछ ड्रॉ करके इस पर लगा जरूर सकता हूँ। तो उसका साइज़ लेने के लिए मैं पहले इसके कॉर्नर्स पे पेंट कर दूंगा और फिर मैं एक पेपर पे उसको प्रिंट कर दूंगा। तो इससे मुझे अपने कवर का बिल्कुल एक करेक्ट साइज़ मिल जाएगा और मैं उसको ईजिली काट सकूँगा। तो मैं अब सीधे से उसके एक एक पार्ट को काट रहा हूँ और उसके बॉर्डर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बारीकी से काटना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। वैसे अगर तुम्हारी एज 12 साल से कम है तो कृपया करके ये काटा काटी वाले कांड किसी बड़े की देखरेख में करें। ओके, तो मैं यहाँ एक गोहन की ड्राइंग बनाने वाला हूँ। तो मैं इसका कोई स्पेशल ट्यूटोरियल नहीं दूंगा कि ये क्या है क्यों है, बस मैं बना दूंगा। इम्पॉर्टेंट टिप, तुम मेरी तरह पेपर बचाने के लिए कोई ऐसी रैंडम पेपर यूज़ मत कर लेना। मैंने इस डायरी का पेपर यूज़ करा है और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इस पे पेंसिल कलर यूज़ नहीं हो पा रहे, तो मुझे ब्रश पेन से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़े लाइट यूज़ हो रहे हैं, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पिंक उतना ज़्यादा डार्क नहीं हुई यूज़ हो रहा है इस पेपर पे, और सेम चीज़ पेंसिल कलर के साथ भी हो रही थी। पता नहीं क्यों, क्या वियर्ड पेपर है ये, लेकिन बस फिर तो मुझे यही करना पड़ रहा है। Thank you.
तो ये बन चुका है। अब इसे यूज़ करने का आइडिया मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ, तुम कैसे यूज़ करना चाहोगे। तुम इसे ऐसे इसके ऊपर चिपका भी सकते हो, अब वो तुम्हें जैसे चिपकाना चाहते हो तुम वैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट कवर है तो तुम उसके अंडर भी उसे डाल सकते हो, वो तब भी विजिबल रहेगा। ऑब्वियसली वो बाद में थोड़ा पीला पड़ जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो काम करेगा। जैसे इस पे तुम देख सकते हो, ये उतना ज़्यादा विजिबल तो नहीं है लेकिन बट इट्स स्टिल लुकिंग गुड। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और तुम अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो कमेंट में कि मैं और क्या क्या ड्रॉ करूँ, या अपने मैं किस किस तरीके से चीज़ें ड्रॉ करूँ, या कुछ कैरेक्टर्स जो तुम चाहते हो कि मैं ड्रॉ करूँ। तो तुम अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।